कहते हैं हकीम लुकमान के पास अक्ल आई तो उन्होंने पूछा, तू कौन है और कहां रहती है? अक्ल ने कहा, मैं अक्ल हूं और इंसान के सर में रहती हूं। फिर शर्म आई तो हकीम लुकमान ने उससे पूछा, तू कौन है और कहां रहती है? उसने जवाब दिया, मैं शर्म हूं और आंख में रहती हूं। इसी तरह मोहब्बत आई तो उससे भी हकीम लुकमान ने पूछा, तू कौन है और कहां रहती है? उसने जवाब दिया, मैं मोहब्बत हूं और इंसान का दिल मेरा मस्कन है। अब तकदीर आई तो उससे भी पूछा, तू कौन है और कहां रहती है? तकदीर कहने लगी, मैं तकदीर हूं और इंसान के सर में रहती हूं। हकीम लुकमान ने कहा, वो तो अक्ल का नशेमन है। अक्ल बोली, जब तकदीर आती है तो मैं रुखसत हो जाती हूं। अब इश्क आया, उससे दरियाफ्त किया गया, तू कौन है और कहां रहता है? जवाब मिला, मैं इश्क हूं और इंसान की आंख में रहता हूं। हकीम लुकमान ने कहा, वहां तो शर्म रहती है। उसने जवाब दिया, जब इश्क आता है तो शर्म भी चली जाती है। आखिर में लालच आया, उससे भी पूछा, तू कौन है और कहां रहता है? जवाब दिया, मैं लालच हूं और इंसान के दिल में रहता हूं। हकीम लुकमान ने कहा, उस जगह तो मोहब्बत रहती है। तो लालच ने जवाब दिया, जब मैं आता हूं तो मोहब्बत चली जाती है। हजरत हकीम लुकमान की अपने बेटे को नसीहत, इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। जब दस्तरखान पे बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखना। किसी महफिल में बैठो तो अपनी जुबान को काबू में रखना। अल्लाह और मौत को हमेशा याद रखना। अपनी नेकियां और दूसरों की बुराइयों को भुला देना। दौलत तकसीम की जाए तो कम होती है, इल्म बांटा जाए तो बढ़ जाता है। बचपन का इल्म पत्थर की लकीर होता है। बुरे दोस्तों से बचो क्योंकि वो तुम्हारा तारुफ बन जाते हैं। इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ ही तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी जिंदगी की सारी सही उम्मीदें जोड़ लेता है। अक्लमंद को अपने घर में बच्चे की तरह और अपनी कौम में मर्द की तरह रहना चाहिए। जिस नेमत में शुक्र है उसको जवाल नहीं है, और जिस नेमत में कुफर है उसको बका नहीं है। नफ्स की दुरुस्तगी में मसरूफ रहो, इससे सिफाते बद की बजाय सिफाते नेक पैदा होंगी। औरतों और बच्चों से राज की बात मत करो, और किसी की चीज में तमा और लालच मत करो। जब खलकत के पास जाओ तो जुबान की निगहदाश्त करो। मसाइब से मत घबराओ क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। हिकमत और दानाई मुफलिस को बादशाह बना देती है। जो बात दुश्मन से पोशीदा रखना चाहते हो दोस्त से भी पोशीदा रखो। हो सकता है कभी वही तुम्हारा दुश्मन हो जाए। वक्त की अगर कीमत है तो वो उसका सही इस्तेमाल है। जिद्दोजहद ना करना मोहताजी का बाइस होता है, और मोहताजी दीन को तंग, अकल को ज़ईफ़ और मुरव्वत को ज़ायल कर देती है। जहां तक हो सके लोगों से दूर रह ताकि तेरा दिल सलामत और नफ्स पाकीज़ा रहे। खुदा की मार्फत हासिल करो और इसे अच्छी तरह पहचानो।
जो बात किसी से कहो उस पर खुद भी अमल करो। मौका से बोलो और मुनासिब गुफ्तगू के लिए लब कुशाई करो। हर किस्म और हर तबका के लिए लोगों को पहचानो और उनके साथ मुनासिब बर्ताव करो। दोस्तों का इम्तहान फायदा और नुकसान दोनों हालतों में करो। ना फहम औरतों पर भरोसा मत करो। हर शख्स को उसके हुनर और जौहर के मुताबिक जगह देनी चाहिए। ज्यादा सुनो और कम बोलो। मौत को हर वक्त पेश नजर रखो और मसाइब दुनिया को सहल ख्याल करो। कमीनों के मुकाबले में खामोश रहा करो। जाहिल लोगों से कम मिल वरना वो तुझे भी जाहिल बना देंगे। खुदा के वास्ते जो काम करो उसमें बंदों का खौफ ना करो। अगर लोग तुम में ऐसी सिफात बयान करें जो तुम में नहीं तो मगरूर मत हो, क्योंकि जाहिलों के कहने से ठीकरी सोना नहीं बन सकती। जिस तरह बारिश खुश्क जमीन को जिंदा कर देती है, इसी तरह सोहबते उल्मा से दिल जिंदा होता है। अक्ल अदब के साथ ऐसी है जैसा कि दरख्त समर के साथ, और अक्ल बगैर अदब के साथ ऐसी है जैसा कि दरख्त बेबर। दोस्ती हक को सरमाया निजात ख्याल कर कि बगैर सरमाया कुछ फायदा ना होगा। बदतनीयत लोगों से बचो कि उनकी सोहबत से सिवाय रंज के कुछ हासिल ना होगा। जो बात तुम नहीं जानते मुंह से ना कहो, और जो जानते हो उसे मुस्तहिक को बताने में दरेग ना करो। अगर कोई काम किसी दूसरे के सपुर्द करना है तो दाना के सपुर्द करो। अगर दाना मुयस्सर ना हो तो खुद करो वरना तर्क कर दो। बेवकूफों से दोस्ती मत करो, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तेरी मुश्किलात में इजाफा कर देंगे। लालच मत करो और जितना अल्लाह ने दिया है उस पर काने रहो। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो।